हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉकिंग आर्नर्स मॉम। कैसे हो आप सब? आई एम श्योर सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में एक ख्याल आता है, वह और उसका बेबी दोनों हेल्दी हों। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या किया। आई एम श्योर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हेल्दी प्रेगनेंसी में आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, जैसे कि आपके 9 महीने के दौरान ना ही नोजिया वोमिटिंग्स, ना ही कॉन्स्टिपेशन, ना ही खाने के दौरान कोई प्रॉब्लम, ना ही और कोई फिजिकल सिम्टम्स होंगे। ऐसा नहीं है, ये सारे सिम्टम्स हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। यदि आपके पहले 3 महीने में नोजिया वोमिटिंग्स हो रही हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है। और बीच के जो 3 महीने हैं उसमें सर्कुलेटरी सिम्टम डेवलप होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है। आखिरी के 3 महीने में बैठने, उठने, सोने में दिक्कत आ रही है, ये भी एकदम नॉर्मल है। ये सब मेरे साथ भी हुआ। ये सारे सिम्टम जो आपको महसूस हो रहे हैं वो हर लेडी को महसूस होते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारा नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। तो आपको क्या खाना है, क्या पीना है, जब आप डॉक्टर से भी बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि एक बेबी की हेल्थ जो है वो डायरेक्टली माँ से कनेक्टेड होती है, मदर से रिलेटेड होती है। मदर जितना न्यूट्रिशंस डाइट लेती है, जितना ध्यान रखती है 9th मंथ के बीच में, उतना ही बेबी के हेल्थ में फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो डॉक्टर आपको पार्ट्स ऑफ सप्लीमेंट्स देते हैं, जो आपको अपने डाइट में डेली बेसिस में खाने होते हैं, ताकि आपके बेबी को सफिशियंट ब्लड, सफिशियंट न्यूट्रिशंस मिल सके। अब सबको जानना चाहता है कि 9th मंथ में क्या चेंजेस आएंगे, अब क्या होगा। सबकी बॉडी अलग अलग होती है तो चेंजेस भी अलग अलग होते हैं। अब सबको चाहता है कि उसकी जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल डिलीवरी हो। चलो सी सेक्शन हो भी जाए तो बेबी हेल्दी है, बट सबका फर्स्ट होप यही होता है कि उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो। अब लोग ये भी सोचते हैं कि कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वजन सामान उठाना है या नहीं, इन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से बॉडी में फर्क पड़ता है और हमारे बेबी के हेल्थ में स्ट्रेस से ही फर्क पड़ता है, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ें मुझे मेरी प्रेगनेंसी में सपोर्ट किया वो क्या है। सबसे पहले आपको डॉक्टर विजिट करना है। आपके डॉक्टर आपको जब भी बुलाते हैं तब ही आप जाइए, और आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए। वो जो आपको सलाह दें, जैसे सप्लीमेंट्स दें, वो डेली बेस पर खाइए, उनके अकॉर्डिंग चलिए। आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि रात में 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अगर कोई हल्की सी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस लग रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने डॉक्टर से ऐसे कनेक्शन बनाओ कि वो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कर सको। लकीली मुझे मेरे डॉक्टर का बहुत सपोर्ट था। मेरा जो ये वाला पीरियड था वो बहुत ही अच्छा गया। ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी जर्नी मेरी अच्छी गई। मैं अपने डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करती रहती थी कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए कैसे प्रिपेयर रहना होगा। अब सेकेंड चीज़ क्या है, प्रेगनेंसी ऐप, जिसका नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। पहला बेबी सेंटर ऐप। इस ऐप से मुझे बहुत सपोर्ट मिला।
इसमें डेली डेली अपडेट आती रहती थी कि आज आपका बेबी इतना बड़ा है, आपके बेबी में ये चेंजेस हैं, आप में ये चेंजेस हैं। इस ऐप को हमने अपने फ़ोन पर डाउनलोड किया हुआ था। इसमें क्या होता है, जो आपकी ड्यू डेट होती है, जो आपको डॉक्टर ड्यू डेट देते हैं, उसको इसमें डाल देना होता है। इसके अकॉर्डिंग ही वह आपको अपडेट करता रहता है। मुझे बेबी सेंटर ऐप के बारे में मेरे हस्बैंड ने बताया था। मुझे ऐसा लगता था हाँ बिल्कुल ये सब मेरे साथ हो रहा है, अब ज़रूरी नहीं कि ये आपके साथ भी हो। बट जो मैंने फील किया वह मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगता था कि यस मैं ये सब फील कर रही हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही ऐप का, मुझे जिन जिन चीज़ों से सपोर्ट मिला मैं वो बता रही हूँ, शायद आपको भी हेल्प मिल जाए। बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें फर्स्ट डे से लेकर लेबर, पोस्ट लेबर सारा डिटेल्स रहता है, आप वह भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स, आपको यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल्स भी मेरे साथ कनेक्टेड थे, जैसे आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो। जो मैं फील करती हूँ वो आप भी फील करते हो, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो आपके भी एक्सपीरियंस हैं। मेरे एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिलती है। मैंने इन्हीं चीज़ों से अपने आप को अप टू डेट रखा, अवेयर रखा कि अब क्या चेंजेस होने वाले हैं। एक बात जो मुझे लगती है कि आपको उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए जिसने ये सारे चीज़ें एक्सपीरियंस की रखी हो। तो मुझे आप सबको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने थे कि मुझे ये सारी चीज़ों ने हेल्प किया। अगर आपको भी हेल्प कर सके तो बहुत बहुत अच्छा है। कई बार न्यूली मदर को चीज़ें पता नहीं होती हैं तो उन्हें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ जाता है, तो वह स्ट्रेस में आ जाती हैं। वो चाहती तो हैं सब कुछ अच्छा हो, बट हो नहीं पाता क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अनजान रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। इसके कारण वह डिप्रेस्ड हो जाती हैं और उनके हेल्थ में फर्क पड़ता है, और स्ट्रेस के कारण बेबी में भी फर्क पड़ता है। तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करना है। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए प्लीज़ आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, सब अच्छा होगा, बस यही सोचिए। बी हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉकिंग आर नर्स मॉम। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।